हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एसी को डीसी में कैसे बदलें डायोड की सहायता से, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर बना के उस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत आसान वीडियो है, बहुत दोस्तों को पता भी होगा, लेकिन कुछ दोस्तों या फिर जो दोस्त अभी स्कूल में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उन लोगों के ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायोड डायोड के बारे में आपको बताता हूँ। डायोड एक वाल्व की भांति काम करता है, ठीक है, एक वाल्व की भांति काम करता है। इस मतलब करने का मतलब एक साइड से करंट जाने देता है, सिर्फ एक दिशा से करंट फॉलोएशन करता है ये। ठीक है, अगर यहाँ मैं करंट दूंगा, ठीक है, तो ये देखिए वाइट जो लाइन दिखता है आपको, ठीक है, ये वाइट वाला, ठीक है, अगर मैं डायग्राम से इसको बताता हूँ, ठीक है, तो ऐसे मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं करंट दूंगा तो इधर मुझे करंट मिलेगा, ठीक है, अगर इधर मैं करंट दूंगा तो इधर मुझे करंट मिलेगा, ठीक है, वहीं अगर मैं इधर करंट दूंगा तो मुझे इधर करंट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जो भी वोल्ट इधर मैं दूंगा, इधर मैं वोल्ट इन करता हूँ इधर वोल्ट आउट होगा, लेकिन इधर वोल्ट इन करूँगा तो इधर वोल्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो यही डायोड है। ठीक है, और ये देखिए ऐसे वाइट वाला जो यहाँ दिख रहा है आपको इस साइड में, इस कॉर्नर पे वाइट वाला जो दिख रहा है राइट साइड, हाँ देखिए राइट साइड अच्छे से दिख रहा है आपको, वाइट जो दिख रहा है वो बताता है कि ये फॉरवर्ड बेसिस का वो बताता है, ठीक है, कि अगर आप यहाँ से देंगे तो इधर सप्लाई मिलेगी, वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, चार डायोड लूँगा, ठीक है, एकदम अच्छे से देखें, मैं डायग्राम और प्रैक्टिकल दोनों आपको बता दूँगा। चार डायोड, ठीक है, जिसमें से दो का सामने वाला एक में ज्वाइंट कर लें आप, दो का सामने वाला एक में, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्वाइंट करके देखिए, दो का सामने वाला मैंने एक में ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, अब जो बाकी दो है उसको उल्टा, ठीक है, जो ब्लैक टाइप में जो पीछे, दोनों को मैं इधर ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप इसको लीजिए, ठीक है, तो एक तरफ एक का प्लस एक तरफ, इसको अब ऐसे जोड़ दीजिए बस, मतलब एक साइड इसका माइनस टाइप हो गया, इसका प्लस टाइप हो गया, ठीक है, अब उसको इसको आगे इधर से जोड़ दीजिए, मतलब इस उसको दोनों इंड को ऐसे लाइए, ऐसे ला कर ऐसे जोड़ दीजिए, इधर से या इधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, जैसे इसको मैं इस तरह फिर ट्विस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं पूरा पूरा ट्विस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप अपने ज़रूरत भर रखें, बाकी को काट सकते हैं, ठीक है, ध्यान दें दूसरे का टर्मिनल एक के साथ ना आए, ठीक है, गौर से देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, देखिए दो का प्लस एक साइड है, दो का माइनस एक साइड है इधर, ठीक है, एक का प्लस इस माइनस इधर इसमें, एक का प्लस माइनस इसमें है, ठीक है, तो ये फुल वेव है, फुल वेव रेक्टिफायर इससे मिलके बनाता है, चार डायोड यूज होते हैं उसमें, ठीक है, अगर आप एक और या दो डायोड की हेल्प से करते हैं काम तो वो हाफ वेव डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बाद बता दूंगा, ये मेन है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। इसको डायग्राम में बनाना चाहेंगे आप तो ऐसे, ठीक है, हुआ, उसके बाद देखिए इसका माइनस वाला जूता है यहाँ, ठीक है, उसके बाद इधर आया, ठीक है, ठीक है, देखिए दो का प्लस एक साइड जुड़ गया, ये दो साइड है इधर वाला, यही वाइट दिखा रहा है जो मैं आपको बता, यानी ये प्लस इधर डीसी प्लस, ठीक है, इधर डीसी का माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस यहाँ मिल रहा है, तो ये एसी इन का एक वाला, एसी इन वन और एसी इन टू, एसी का पहला लेग और दूसरा लेग यहाँ दीजिए, तो आपको यहाँ से डीसी मिलेगा, जिसका प्लस यहाँ मिलेगा माइनस यहाँ मिलेगा, मैंने भी वही किया, ठीक है, मैंने भी वही किया, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मैं इसको हटा थोड़ा सा कर दूँ, ठीक है, मैंने भी वही किया, ठीक है, मैं अगर इस पॉइंट पे एसी, मैं देखिए
आप बार बार अच्छे से समझ लीजिए कि जिधर दोनों प्लस रहा है जिधर दोनों माइनस है, जिधर दोनों प्लस होगा उधर डीसी प्लस मिलेगा, जिधर दोनों माइनस होगा उसका उधर डीसी का माइनस मिलेगा। जिस साइड एक प्लस एक माइनस दिख रहा है उसी दोनों में आपको एसी इनपुट करना है, ठीक है। जिस साइड एक प्लस एक माइनस दिख रहा है उसी साइड में आपको एसी इनपुट करना है, ठीक है। तो मैं अब करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर लेंगे। मैं जो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ 909, ठीक है। 909 से मतलब ये होता है कि ये कॉमन से लीजिएगा तो इधर से इधर तक 9 वोल्ट, इधर से इधर तक 9 वोल्ट, ठीक है। अगर इसको छोड़ के आप इस दोनों को लीजिएगा तो 9 9 18 वोल्ट मिलेंगे इसमें। तो मैं अभी इसी का यूज़ करूँगा 18 वोल्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले एसी को आप कनेक्ट करने के लिए, एसी इनपुट करने के लिए एक लीड लेंगे, एसी लीड, ठीक है। और उसको ज्वाइंट करने के लिए थोड़ा सा स्लीव ले लेंगे, ठीक है। आप टेप का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। कुछ कन्फ्यूज़न रहता हो तो भी कमेंट्स किया करें, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत देर ही सही पर सारे दोस्तों का मैं रिप्लाई देता हूँ। ये हो गया, अगर आपके पास आयरन है तो आप इसको सोल्डिंग कर लें। सुनेंगे अच्छे से करें, लूज ना रहे, ठीक है। उसके बाद स्लीव को घसका लें ऐसे, जॉइंट पे आ जाए। आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, हो गया। अब मैं इसको सप्लाई दूंगा। अब मैं जैसे इसको सप्लाई दे दिया, ठीक है, इसमें मुझे एसी मिलने लगा। ध्यान रहे इधर हाई वोल्टेज है, यही यही ये प्राइमरी जो सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन मैंने हाई वोल्ट दिया 220, ये सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी में ये कम कर दिया, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये कम कर दिया। वीडियो लंबा है, ठीक है, पर आप इसे गौर से देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कभी ज़िंदगी में और कभी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस क्षेत्र के। देखिए एसी वोल्ट मैंने एसी रेंज में लगा रखा है, 21.8 वोल्ट मुझे मिल रहा है एसी रेंज में। अब मैं एसी को डीसी में करता हूँ, एसी 200 वोल्ट में मिल रहा था 21 वोल्ट, डीसी 200 वोल्ट में देखिए कुछ नहीं, यानी ये डीसी करंट नहीं है, एसी दे रहा है अभी तक, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सोल्डिंग करता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा जिधर एक प्लस और एक माइनस हो उधर ही मुझे सोल्डिंग करना है। तो एक मैं ठीक है, देखिए इधर इधर मैंने सोल्डिंग कर दिया, एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, इधर अब डीसी मिलने लगा, ठीक है। इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा तार वहाँ से निकाल सकते हैं, मैं आपको दूसरा तार निकाल देता हूँ। देखिए इधर वाइट वाला इधर दिख रहा है, ठीक है, इधर वाइट वाला दिख रहा है, यानी इधर प्लस, ठीक है, प्लस और इधर माइनस, देखिए अब यहाँ जो करंट आपको मिलेगा वो डीसी मिलेगा, ठीक है, माइनस और ये प्लस। देखिए अब इधर बताने लगा, ठीक है, अब डीसी में भी बताने लगा आपको 20 20.41 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आप एसी को डीसी में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, ये माइनस और ये प्लस वाले टर्मिनल पर
आप 20 वोल्ट यहाँ मिला, यानी आप 20 से ज़्यादा 25 वोल्ट 30 वोल्ट 35 वोल्ट का एक कंडेंसर लगा सकते हैं, ठीक है। उससे ये और अच्छा डीसी बन पावर बना देगा इसको, ठीक है। और जो भी रेस्ट पार्ट है आप इसको काट दें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं ये मेरा बताने का उद्देश्य बस यही था, ठीक है, कि मैं अब ये सब सारे चीज़ का भी यूज़ करूँगा अपने वीडियोज़ में, ठीक है। अगले वीडियो में मैं ये सब चीज़ का यूज़ करूँगा। धीरे धीरे मैं आपको रिले पे और भी बहुत सारे वीडियो दूंगा, तो उस पर ये यूज़ था इसलिए मैंने ये बताया, बहुत दोस्तों को ये पता होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।